हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेटर माइंड्स। मेरा नाम है शुभम और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे जो आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांता दास जी, उनकी जो 17 अप्रैल की जो स्पीच थी उसके बारे में। अब देखिए, वैसे तो उनकी स्पीच अगर आपने देखी होगी वो बहुत ही ज़्यादा लंबी थी और काफ़ी ज़्यादा उसमें जो थी बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो टर्म्स थी उनको यहाँ पर यूज़ किया गया था। तो काफ़ी सारे लोगों को, मेरे को लगता है कि वो जो स्पीच है वो समझ में आई नहीं होगी बहुत सारे, क्योंकि ऐसे पॉइंट्स थे बिल्कुल जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो पॉइंट्स थे, जो कि अगर नॉर्मल में बात करूँ कॉमन पब्लिक की तो उनको इस चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे उन्हीं के बारे में और डिस्कस करेंगे वेरियस पॉइंट्स को यहाँ पर। अब देखिए, वैसे तो उनकी स्पीच थी वो काफी ज्यादा लंबी थी, उसमें ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो उनकी जो ऑफिशियल जो स्टेटमेंट थी वो 25 ऑफिशियल स्टेटमेंट थी। लेकिन हम उन 25 के बारे में ना बात करके सिर्फ उनके बारे में बात करेंगे जो कि एक आम आदमी को, एक कॉमन जो पब्लिक है उसको नॉर्मली हिट करने वाली है। वैसे तो ये ऐसा नहीं है कि 25 के 25 पॉइंट्स नहीं हिट करेंगे, वैसे तो 25 जो पूरे पॉइंट्स है वो हम सिटीजन के लिए हैं, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट तो हमको करेंगे ही वो। लेकिन वहां पे क्या होगा, जो मैं वो पॉइंट को यहां पे बात करूंगा जो कि मेनली हमको हिट करेंगे, जो कि डायरेक्टली जो जिनका कि हमको रिलेशन यहां पे देखने को मिलेगा, जो डायरेक्टली हमको रिलेट करेंगे हमारी अभी डे टू डे जो नॉर्मल लाइफ अभी चल रही है उसमें। अब देखिए, सबसे पहले मैं तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि इन्होंने अपनी जो सबसे पहली जो स्टेटमेंट थी उसमें तो उन्होंने यही बोला था कि हम यहाँ पे COVID-19 का जो कर्व है, आपको जैसा पता ही होगा, तो उस कर्व को हम फ्लैट करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, अब उसको और ज़्यादा ऊपर को नहीं बढ़ने देंगे। फिर सेकेंडली उन्होंने यहाँ पे बात करी थी कि जितने भी अपने जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और जितने भी ये बैंक के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जो कि अपनी लाइफ को इतने उसमें डाल के और आप यहाँ पे हम लोगों के लिए यहाँ पे इतनी मदद कर रहे हैं, तो उनको भी उन्होंने सेकेंड जो पॉइंट उसमें क्या कर रहा था, थैंक किया था। अब देखिए, जो स्टोरी की यहाँ पे स्टार्टिंग है वो एक्चुअली अभी 17 अप्रैल को नहीं हुई थी, वो यहाँ पे स्टार्ट हुई थी हमारा 27 मार्च को। 27 मार्च को क्या हुआ था, जैसे कि अभी 17 अप्रैल को इन्होंने यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए हैं, वैसे ही क्या हुआ था 27 मार्च को भी यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हुई थी। तो वहाँ पे 27 मार्च को भी क्या था, बहुत बड़ी काफ़ी सारा एक बहुत ही बड़ी एक स्पीच थी, उसमें से जो मेन जो पॉइंट था वो क्या निकल के आया था यहाँ पे कि जो बैंक है उसने क्या कर दिया था, जो रेपो रेट है और जो रिवर्स रेपो रेट है दोनों को क्या कर दिया था, कम कर दिया था। तो उन्होंने पे क्या किया था, रेपो रेट को 5.15% से जो हमारा 4.4% है वो कर दिया था, और जो हमारा रिवर्स रेपो रेट है उसको 4.9% से 4% पे कर दिया था। अब मेन जो बात आती है यहाँ पे जिसमें सबको कंफ्यूजन रहता है कि ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ये है क्या चीज़ यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे रेपो रेट की। अभी होता क्या है कि जैसे ही कभी क्या होता है कि बैंक के पास अगर पैसा कम पड़ता है तो क्या होता है, बैंक क्या करता है, आरबीआई के पास क्योंकि काफ़ी सारा पैसा जमा है तो आरबीआई से क्या करता है, लोन ले लेता है। जैसे कि हमको अगर पैसे की जरूरत पड़ती है हम अपने नॉर्मल बैंक के पास जाते हैं, PNB, SBI इनके पास जाते हैं, जैसे हम इनसे पैसा लेते हैं लोन के लिए, वैसे ही वो लोग भी जो हमारे ये SBI, PNB ये सब बैंक है ये क्या करते हैं, RBI से पैसा लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, RBI क्या करता है, इन पे कुछ एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाता है। तो जब हमारा कोई भी एक बैंक जैसे RBI से अगर पैसा उधार ले रहा है तो उस टाइम पे जो RBI हमारा वो हमारे SBI, PNB इन सब पे जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएगा, क्योंकि उधार जब वो दे रहा है तो वो क्या करेगा, उनसे कुछ ब्याज भी लेगा, तो जो वो ब्याज की दर होगी उसको हम क्या बोलते हैं यहां पे, रेपो रेट कहते हैं। तो ये तो था हमारा रेपो रेट। अब बात आती है सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट है हमारा रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, काफी बार क्या होता है कि जो बैंक्स हैं उनके पास क्या होता है, पैसा बहुत ज्यादा हो जाता है। अब उनसे क्योंकि हो सकता है कि अब पैसा ज्यादा होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, हो सकता है कि जो नॉर्मल जो पब्लिक है वो उनसे पैसा नहीं ले रही है, बहुत वेरियस रीजंस हो सकते हैं। अब बैंक के पास जैसे PNB, SBI इनके पास जब पैसा हमारा बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये क्या करते हैं, अपने पैसे को ये क्या करते हैं, RBI को दे देते हैं। RBI को क्यों देते हैं, ताकि ये जैसे मैं मेरे पास पैसा ज्यादा हो गया तो मैं बैंक में जमा करूंगा ताकि मेरे को वहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले, घर पे रख के क्या करूंगा उस पैसे को। तो वैसे ही बैंक भी क्या करते हैं, RBI के पास उस पैसे को रख देते हैं जब ज्यादा होता है, ताकि क्या हो, RBI से उनको इंटरेस्ट मिलता रहे, RBI से उनको ब्याज मिलता रहे, उनका पैसा बढ़ता रहे, उनको ज्यादा पैसा यहां पे मिले। तो इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, जिसपे कि जो बैंक है वो RBI को उधार दे रहा है, या फिर आप उधार भी नहीं, या फिर कह सकते हो कि वहां पे जमा कर रहा है और उसको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वहां पे, तो ये होता है हमारा रिवर्स रेपो रेट। अब देखिए, यहाँ पे जो रेपो रेट है और जो रिवर्स रेपो रेट है इसको कम ज़्यादा करने से हम पे क्या फ़र्क पड़ रहा है ये मैं यहाँ पे बताता हूँ। 27 मार्च को क्या हुआ था, इन्होंने 5.15% से 4.4% जो है वो कर दिया था हमारा रेपो रेट। अब देखिए, रेपो रेट क्या होगा, यानी कि हमको क्या हो रहा है कि बहुत ही जो PNB, SBI ये सब जो बैंक्स है इनको RBI से जब ये पैसा लेंगे तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम हो गया, यानी कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो ये लोग क्या करेंगे, RBI से और ज़्यादा पैसा लेंगे, क्योंकि रेट
कम ब्याज पे मिल रहा है तो क्या करेंगे, ज्यादा पैसा लेंगे। बैंक के पास ज्यादा पैसा आ रहा है, एसबीआई पीएनबी इन सब के पास ज्यादा पैसा आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या करेंगे ये लोग जो नॉर्मल जो सिटीजन है, जिनका हम लोगों का जिनका की अकाउंट है ऐसे बैंक में, ये इनको क्या करेंगे, बहुत ही मतलब कम उसमें लोन देंगे या कम उसमें पैसा जो है वो दे देंगे। इसकी वजह से क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, मेरे को पता लग रहा है कि भाई इस टाइम पे जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रखा है, तो मैं क्या करूंगा, जाऊंगा और अपने बैंक से पैसा उधार ले लूंगा। इस वजह से क्या होगा, जो हमारा मार्केट है, जो हमारी जो नॉर्मल जो मार्केट है, उसमें क्या होगा, पैसे का फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि पैसा जो है मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा एज कंपेयर टू पहले के, जो कि पहले था जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा था। अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो मार्केट में पैसा क्या होता है, बढ़ जाएगा। सेकेंड चीज, इन्होंने रिवर्स रेपो रेट को भी कम कर दिया था। रिवर्स रेपो रेट को कम करने से भी क्या होता है, जो मार्केट है उसमें पैसा बढ़ जाता है। कैसे, रिवर्स रेपो रेट को कम करने का मतलब है कि जब बैंक जो है उसे पता है कि आरबीआई में पैसा डालूंगा, तो अब आरबीआई ने जो है मेरे को ब्याज तो बहुत ज्यादा दे नहीं रहा है, वो तो कम ब्याज दे रहा है आरबीआई मेरे को यहाँ पे, तो उस वजह से क्या होगा, अब वो सोचेगा कि यार मैं आरबीआई में पैसा क्यों रखूँ जब ये मेरे को कम रेट ऑफ कम इंटरेस्ट दे रहा है। तो वो क्या करेगा, ज्यादा पैसा आरबीआई में जमा करेगा ही नहीं, वो ज्यादा पैसा क्या करेगा, मार्केट में दे देगा, लोगों को दे देगा ज्यादा पैसा। तो मार्केट में पैसा, तो इनडायरेक्टली आप देख रहे होंगे रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट के कम होने से फर्क क्या पड़ रहा है, एक्चुअल में जो मार्केट है उसमें पैसा बढ़ जा रहा है, उसमें पैसा ज्यादा हो जा रहा है। तो मेन, और अभी आप देख रहे होंगे, अब इसका मैं अभी प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से लॉजिक बताता हूं, इसका कम करने का लॉजिक क्या है। यहां पे कम करने का लॉजिक यहां पे यह है कि जब रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट को अगर कम करेंगे, तो आपने देख लिया दोनों को कम करने से ओवरऑल क्या फर्क पड़ रहा है, मार्केट में पैसा बढ़ जा रहा है। अब अभी क्या हो रखा है यहां पे, लोग क्या है, जॉब वगैरह तो क्योंकि अभी चल नहीं रही है, सबका काम बंद हो रखा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लोगों के पास पैसा कहीं से कमा के आ नहीं रहा है। वो लोग क्या कर रहे हैं, जो यहाँ पे हमारी सेविंग्स है, सिर्फ और सिर्फ जो हमने सेविंग्स कर रखी थी, उन सेविंग्स को खर्च कर रहे हैं अभी मार्केट में। तो अभी उन सेविंग्स को खर्च कर रहे हैं, तो इस वजह से क्या करा है यहाँ पे, ताकि क्या हो, मार्केट में पैसा, यानी कि एक तरीके से देखा जाए मार्केट में पैसा आ नहीं रहा, उल्टा जो पैसा लोगों के पास रखा हुआ है वो जाए जा रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे आरबीआई ने क्या करा है, आरबीआई ये करता रहता है अपनी मॉनेटरी जो पॉलिसीज होती है इनमें चेंज, ताकि क्या हो सके, अभी मार्केट में पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से क्या हो सके, ताकि मार्केट में जो पैसा है वो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सके। अब ये जो मार्केट में पैसे का जो फ्लो होता है, आपने एक टर्म सुनी होगी, अगर कल की स्पीच अगर आपने ध्यान से सुनी हो, उन्होंने बोला था कि हम ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि लिक्विडिटी को इंक्रीज करने के लिए। तो लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी यही जो मैंने अभी बताया, पैसे का जो फ्लो होता है हमारी जो नॉर्मल जो पब्लिक उसके बीच में, इस फ्लो को हम क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी कहते हैं, यानी कि पैसे का बहाव। तो यहां पे जो पैसे का बहाव है वो क्या करा है, उन्होंने इंक्रीज कर दिया। और ये इंक्रीज कैसे होता है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को कम करके पैसे का जो बहाव है, लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाती है। तो ये टोटल ओवरऑल पॉइंट था, इन्होंने ओवरऑल क्या करा है, लिक्विडिटी को इंक्रीज करा है, और जो कि अभी प्रेजेंट सिनारियो के हिसाब से बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये, मतलब बहुत ही बढ़िया इन्होंने डिसीजन जो है वो यहां पे लिया। अब ये तो जो अभी तक की बात थी, ये थी हमारी 27 ऑफ मार्च की। अब मैं बात करता हूँ 17th ऑफ अप्रैल को क्या हुआ है। 17th ऑफ अप्रैल को जो रेपो रेट है उसमें तो कोई ऊपर नीचे नहीं किया गया है, लेकिन जो रिवर्स रेपो रेट है उसको क्या कर दिया गया, और थोड़ा सा कम कर दिया गया, क्योंकि हो सकता है उनको नीड लगी होगी कि भाई अभी जो है COVID-19 लॉकडाउन बढ़ गया है, COVID-19 अभी उतना दिख नहीं रहा है, कम होता हुआ तो नजर आ नहीं रहा है, तो यहाँ पे क्या कर दिया, रिवर्स रेपो रेट को, जैसे मैंने अभी क्या बताया था कि यहाँ पे जो रिवर्स रेपो रेट है वो 4.9% से 4% कर दिया था, अभी क्या कर दिया 17th ऑफ अप्रैल को 4% से भी और कम करके 3.75% कर दिया। यानी कि अब बैंक क्या सोचेगा कि यार अब तो इन्होंने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो और ज्यादा कम कर दिया आरबीआई ने, तो मैं अपना पैसा आरबीआई में क्यों रखूं। तो इनडायरेक्टली क्या होगी, जो लिक्विडिटी है, पैसे का जो बहाव है मार्केट में, वो और ज्यादा बढ़ेगा, और ज्यादा बढ़ेगा तो उससे जो हम लोग है, हमारा यहाँ पे फायदा होगा, पैसे का अगर बहाव यहाँ पे बढ़ता है तो, लिक्विडिटी अगर इंक्रीज होती है तो ओवरऑल जो आरबीआई का फोकस है वो अभी प्रेजेंट टाइम में ये है कि जो लिक्विडिटी है वो इंक्रीज हो जाए, बस यहाँ पे कैसे भी उनको इंक्रीज करना है। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे तो इतना 0.25% और बिल्कुल इतने कम परसेंटेज कम करके कैसे लिक्विडिटी इंक्रीज हो सकती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये जो चीजें एक्चुअल में वर्क करती हैं ये चीजें, और बिल्कुल अगर 0.01% अगर इतना सा भी अगर ऊपर नीचे होता है तो इससे भी बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है हमारे मार्केट के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे अभी जो सेकंड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आता है यहाँ पे, वो हुआ क्या है, आरबीआई ने क्या करा है, जो हमारा डब्ल्यूएमए जो लिमिट थी हमारी स्टेट्स की, उसको क्या किया है, जो कि पहले अप्रोक्सीमेटली 30% थी, उसको इंक्रीज करके 60% कर दिया है। अब डब्ल्यूएमए क्या होता है यहाँ पे, वेज एंड मीन्स एडवांसेस। वेज एंड मीन्स एडवांसेस का मतलब यह है कि देखिए चीजें वर्क कैसे करती है, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, कहीं भी अपने स्टेट में डेवलपमेंट वगैरह या किसी भी तरीके की जो चीजें एक्टिविटीज को करने के लिए क्या करती है, आरबीआई से पैसा लेती है। अब आरबीआई से पहले पैसा लेती है, उसके बाद क्या होता है, जब स्टेट का रेवेन्यू जनरेट होगा
होगा, उसके बाद क्या करेगी वो आरबीआई को वो पैसा क्या है वापस कर देगी, ताकि इस वजह से क्या हो सके कि हमको किसी भी काम को करने में लेट ना हो और हमको एट प्रेजेंट मोमेंट पे जिस टाइम पे स्टेट को पैसा चाहिए, जिस टाइम को स्टेट को बहुत ज्यादा नीड है उस पैसे की, उस टाइम पे वो क्या कर सके उस पैसे को अच्छे से यूटिलाइज कर सके। क्योंकि रेवेन्यू जो होता है वो अभी क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे क्या है चीजें सब कुछ बंद हो चुकी है, स्टेट के पास कहीं से पैसा आ नहीं रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो नहीं रहा है। भले बाद में जब चीजें वर्क करने लगेंगी तो स्टेट के पास अच्छा खासा पैसा आ जाएगा, लेकिन अभी प्रेजेंट सिचुएशन में तो पैसा आ ही नहीं रहा है। तो यही चीज को देखते हुए क्या है, अभी अगर आरबीआई ने क्या कर रखा है यहाँ पे, जो हमारा जो डब्ल्यूएमए जो लिमिट थी उसको इंक्रीज करके क्या कर दिया 60% कर दिया है, ताकि अभी जो स्टेट है हमारा, स्टेट गवर्नमेंट है, वो क्या कर सके जो हमारा COVID-19 जो डिजीज है उससे अच्छे से लड़ सके, वहाँ पे कहीं पे भी पैसे की कमी ना पड़े, किसी भी सिटीजन की जो को कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने में स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे फेस ना करनी पड़े। इसी वजह से क्या क्या है? ये जो डब्ल्यूएमए जो लिमिट है इसको बढ़ा के एकदम अप्रोक्सीमेटली दुगना कर दिया, यहाँ पे 60% कर दिया गया। अब देखिए थर्ड और हमारा जो बहुत ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमारा यहाँ पे आता है मोरेटोरियम। आरबीआई ने क्या करा है, मोरेटोरियम लगा दिया जितने भी हमने जो लोन्स वगैरह जो भी लिए होंगे उनके ऊपर। अब इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि आपको जो अगले अभी जो 2 या 3 जो मंथ है उनमें क्या करना है, अगर आप ईएमआई पे नहीं भी करते हो तो आप एज अ डिफॉल्टर वहाँ पे नहीं माने जाओगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, और यहाँ पे वही रीज़न अगेन वही निकल के आता है क्योंकि अभी क्या है जॉब्स वगैरह की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, लोगों ने बहुत सारे अपने सामान वगैरह या हो सकता है किसी ने अपना घर बनाया होगा, तो इन सारी चीज़ों के लिए क्या है लोन लिया है। और यहाँ पे जो ईएमआई की जो अमाउंट होती है वो काफ़ी सारे केसेस में तो बहुत ही बड़ी बड़ी अमाउंट्स है, और ऑब्वियसली ईएमआई में जो अमाउंट्स होती है वो बड़ी होती है। तो यहाँ पे इसी वजह से क्या हुआ है, बैंक ने ये जो आरबीआई है हमारा वो इन्होंने इस तरीके का जो डिसीजन है वो लिया है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो समझ में आई होंगी, और आपको ये जो वीडियो है ये काफ़ी नॉलेजेबल लगा होगा। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या फिर हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी सजेशन है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, मैं आपके डाउट्स का रिप्लाई और आपके सजेशन को इंप्लीमेंट करने की अपनी नेक्स्ट वीडियो में पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, मेरा नाम है शुभम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।